ग्रह, नक्षत्र, तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 14 फरवरी 2020 शुक्रवार का दिन है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। चित्रा नामक नक्षत्र तुला राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल का निर्णय अपने क्षेत्र के और अपने पंचांग के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई जगह नहीं माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर के यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कुंभ राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल ग्रह धनु राशि में, बुध कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये 7 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभदायक साबित होगा। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बनेगी, और किसी सामाजिक समारोह में इनको सम्मान प्राप्त होने का उत्तम दिन रहेगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की कोशिश आप करेंगे, उसमें सफल हो जाएंगे। धैर्य रखें, सोच समझ कर बोले, पैसों की स्थिति में सुधार होने का योग है। आपको कहीं से अचानक धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने वाला है, और सम्मान की चिंता रहेगी। कानूनी मामलों में सफलता मिलने का योग है। जमीन जायदाद के मामलों में फायदा होगा। परिवार से भी मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव जो चल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को हल्दी और रोटी लगा करके खिलाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लक्ष्य साफ रहेंगे। पैसों का कोई पुराना मामला यदि बाकी है तो उसे निपटाने का प्रयास करें। जीवन साथी आपकी ओर आकर्षित होगा। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी, नयापन महसूस होगा, आप खुश रहेंगे। यात्रा का कार्यक्रम अचानक बनने वाला है। जिम्मेदारी बढ़ने का योग है। नए कपड़ों या गहनों की खरीदारी हो सकती है। बिजनेस में कुछ नया कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपको ही फायदा होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आपका खर्चा बढ़ने वाला है और खर्च के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में तुलसी जी में यदि आप जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आप पूरा ध्यान अपने टारगेट पर रखें। किसी खास काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है और बातचीत में आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है और आप लोगों को अपनी बात से सहमत करवाने में सफल होंगे। किसी चलते काम, निवेश, बिजनेस या रोजगार को लेकर आप खास फैसला ले सकते हैं। दूसरों से जिस काम की अपेक्षा करते हैं उसमें आप आसानी से सफल हो जाएंगे। नए अनुभवों के लिए तैयार रहे। पुराना काम समेटने और नए काम में आगे बढ़ने का सही समय है। पैसों से जुड़े मामले उलझ सकते हैं, हर फैसला सोच समझ कर करें। कारोबार के लिए यात्रा फायदेमंद साबित होगी। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में गहराइयां बढ़ने वाली है। और उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में यदि आप गुड़ का भोग लगाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। नौकरी और कारोबार में आपको फायदा होगा। व्यावहारिकता से सफलता मिलने का योग है। मजबूती से अपने काम करें, अपने लक्ष्य की दिशा में कोशिश करना शुरू करें। समय के साथ रहे, जो होता है उसे होने दे, उसका विरोध न करें, इससे आपको ही फायदा होगा। पैसों के कुछ उलझे हुए मामले सुलझाने में कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। किसी सामूहिक काम में आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं। अचानक कोई पुराना दोस्त भी आपकी मदद कर सकता है। आसपास वाले लोग और दोस्त भी आपको
मदद करेंगे उनसे भी आपको फायदा होगा। अविवाहित है तो विवाह का योग बन सकता है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आने का योग बन रहा है। उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे कच्चा दूध शक्कर चढ़ाएंगे तो आपका दिन सुफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जिस काम को पूरा करने के बारे में आपने सोचा नहीं होगा वो आज पूरा हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे आपके पक्ष में रहेंगे, कुछ नए दोस्त बनेंगे, पुराने बेजान रिश्तों में मधुरता आएगी। दोस्तों की मदद से कैरियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। निवेश या लेन देन के किसी खास मामले में आपको जानकार व्यक्ति से सलाह प्राप्त करनी चाहिए। खोई हुई वस्तु मिलने का योग है, नए संपर्क से फायदा होगा, परिवार और संतान से सुख मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, जीवन साथी से भी आपको मदद मिलेगी, दिन बहुत अच्छा रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएंगे तो आपका दिन सुफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। अतिरिक्त आमदनी के लिए आप प्रयास करेंगे, वो प्रयास आपके सफल भी हो जाएंगे। यात्रा होगी, उसमें खर्चा भी होगा। आसपास की कोई छोटी मोटी यात्रा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। संतान से संबंधों में सुधार होने का योग है। रुके हुए कार्यों को किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से पूर्ण कर लेंगे। आसपास के लोगों से मदद मिलेगी, किए गए कामों का फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। दिन बहुत आराम से व्यतीत होगा। और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। हिम्मत और आत्मविश्वास से आपको काम करना चाहिए। साथी के फैसले लेने में आज आप मदद करेंगे। पैसों के कुछ उलझे हुए मामले सुलझाने होंगे, कहीं से पैसों की व्यवस्था भी हो जाएगी। धैर्य रखें, परिस्थितियां धीरे धीरे आपके फेवर में आ जाएगी और जो मामले उलझे हुए थे उनको आप सुलझा सकते हैं। दोस्तों के साथ मनोरंजन या हंसी मजाक में आपका समय व्यतीत होगा। बिजनेस में फायदा और प्रेम संबंधों में जो तनाव चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। रोजमर्रा के कार्यों में लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। कोई पुरानी देनदारी आप चुका सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। अनजान लोगों पर भरोसा न करें और जोखिम भरे कार्यों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। आलस्य बिल्कुल न करें। आप किसी से बातचीत करने में थोड़ी बहुत समस्या भी महसूस कर सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप दही में शक्कर डाल करके भगवान शंकर जी को भोग लगाएंगे तो आपका दिन सुफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। परिवार के साथ समय बिताना उपयोगी और सकारात्मक रहेगा। आप कोशिश करेंगे तो उलझे हुए मामले शाम तक सुलझा सकते हैं। कोई ऐसा काम आपके द्वारा होगा जिससे आपको फायदा होगा। कुछ नई शुरुआत करने का अवसर भी मिलेगा और ऑफिस में हालांकि दिन सामान्य रहेगा लेकिन आपका सम्मान और ओहदा बढ़ सकता है। अपनी बात कहने में आप सफल हो जाएंगे। किसी बुजुर्ग की ली गई सलाह से आपको फायदा होने का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आप पीले रंग की कोई भी दाल यदि दान करेंगे तो आपका दिन सुफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। प्रेम क्षेत्र में एक नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। किसी विशेष कार्य के लिए आप तैयारी करेंगे। किसी भी काम को मन लगा करके करने से आपको फायदा होगा। ऑफिस में किसी विषय पर आपसे सलाह ली जा सकती है। मनोरंजन या पिकनिक के प्लान भी आपके सामने आ सकते हैं। खुद कोई नया प्लान बना सकते हैं। ज़्यादातर काम आप अकेले में करना चाहेंगे। दिन आपके लिए अच्छा है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी और बड़े लोगों से फायदा होगा। छोटे छोटे कार्यों की सूची बनाकर उस पर आपको कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। निवेश से भी आपको फायदा होगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होने का दिन रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी विद्यार्थी को पेन या कापी का दान करते हैं तो आपका दिन सुफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा।
अब हम बात करते हैं मकर राशि की। करियर में सफलता के लिए आपके दिमाग में कोई ना कोई नया विचार चलता रहेगा। पैसों का कोई उलझा मामला सुलझाने का अवसर मिलेगा। जहां तक संभव हो सारा काम आज ही निपटा ले, एक बार में एक ही काम हाथ में ले, सफलता आपको मिलेगी। नया दौर शुरू हो सकता है, आज ही कुछ नए मौके आपके सामने आ सकते हैं। अपनी दिनचर्या पूरी तरह से करने में आप जो है सफल होंगे। सारे कार्य आपको जो है लक्ष्य बना करके करना चाहिए। ध्यान को भटकने बिल्कुल न दे, और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी पेड़ के नीचे जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि एक होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। हर बात की गहराई में जाने की इच्छा आपकी रहेगी। कोई अनबन सुलझने का अवसर मिलेगा। ऑफिस में किसी एक काम के लिए ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इससे सम्मान आपको ही मिलेगा। नौकरी बदलने का इरादा है तो उस पर विचार कर सकते हैं और कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आप कदम उठा सकते हैं। कैरियर में कुछ परिवर्तनकारी स्थिति भी बनने वाली है। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपकी मदद भी करेगा। पुरानी चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी। अचानक फायदेमंद यात्रा का योग है। बिजनेस के मामलों में समय अच्छा है। कैरियर में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गौशाला में जाकर के गाय को हरी घास या हरी सब्जी खिला देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। किसी की मदद से आपका काम पूरा हो जाएगा। पैसों की स्थिति में सुधार होगा। परिवार का कोई विवाद या तनाव सुलझाने के लिए दिन अच्छा साबित होगा। जीवन साथी के साथ चल रही अनबन सुलझने का योग है। कल की चिंता न करें, अधिकारियों से मदद मिलेगी। निवेश या बचत का कार्यक्रम आप बना सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जो है गुड़ चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।